ब्रॉडवे विदेश जाने दे सुपनियां नू देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। 100 बच्चे जनवरी फाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार अप्लाई कर रहे हैं। और कनाडा में जिस तरह से प्रोसेस, स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट के प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरे एंड के प्रोसेस को आप समझने की अब कोशिश कम करते हो। सो पीआर, जो कि आपका अल्टीमेट मकसद होता है, वो पीआर कहाँ आपका ईजी हो सकता है, कहाँ आराम से ले सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटली स्टडी वीज़ा में जिस तरह से टफनेस दिखी है, इसी तरह की टफनेस कहीं ना कहीं पीआर में भी दिखी है, जहाँ पर जो सीआर जो पॉइंट्स हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 500 अबव जा चुके हैं। तो जो बच्चे अब पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, आई एडवाइज देम पर्सनली कि वो ओंटारियो, खास करके 10+2 स्टूडेंट अगर वो डिग्री प्रोग्राम में नहीं जा रहे, तो वो ओंटारियो अगर जाएंगे तो उनको पीआर लेने के लिए बाद में दूसरी स्टेट्स में या दूसरे प्रोविंस में या आरएनआईपी एरियाज में स्विच करना पड़ेगा, तभी ये पीआर उनका पॉसिबल हो सकेगा। अगर आप इसको सही तरह स्मार्टली यूज़ करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, तो क्या होता है बेसिकली, स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ से जाता है टोरंटो, ब्रैम्पटन, कौन से वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे। जब स्टडी ख़त्म हो जाती है, उसे चाहिए होता है वर्क परमिट, वर्क परमिट मिलता है उसे, अब उसके बाद उसे चाहिए पीआर, तो पीआर के पॉइंट पूरे नहीं होते, फिर उसके बाद वो जाता है किसी और स्टेट में, प्रोविंस में, जो टोरंटो से तो डेफिनेटली छोटी है, ओंटारियो से छोटी है, कमर्शियली छोटे लेवल की है, और वहाँ पर जाके उसे अपना वर्क परमिट के ऊपर जाके जॉब करनी पड़ती है, और फिर वो पीआर अप्लाई कर पाता है। ये सरासर एक बेवकूफ़ी है जिसको बच्चे फॉलो करते हैं। सही तरीका क्या है कि जब आप स्टडी वीज़ा पे हैं, तब आप प्रोविंसेस में जाएं, चाहे स्केचवन में जाएं, नोवा स्कॉशिया में जाएं, प्रिंस एडवर्ड में जाएं, आप ब्रिटिश कोलंबिया में चले जाएं, अल्बर्टा में चले जाएं, और वो जो 2 साल आप वहाँ पे बिताओगे वो आपके पीआर में काउंट होंगे, और जब आपका वर्क परमिट लगेगा तब आप चाहो आके, चाहे टोरंटो, वैंकूवर, सरी, जहाँ रहना चाहते हो, जो भी बड़ी सिटी में रहना चाहते हो, वहाँ आके रह सकते हो, और स्टिल आपका पीआर उसके हिसाब से प्रोसेस हो जाएगा। मतलब जब आपके कमाने का टाइम है, जब आपके पास वर्क परमिट होगा, उस समय जाके किसी छोटे प्रोविंस में रहना समझदारी नहीं होगी, समझदारी होगी कि स्टडी वाले पीरियड में वहाँ पर रह लो, और जब फुल टाइम आपके पास जॉब करने के राइट्स हैं, काम करने के राइट हैं, उस टाइम पे मेट्रो सिटी में आना ज्यादा लॉजिकल होता है। मतलब दिल्ली में पढ़ना और मान लो किसी छोटे शहर में जाके जॉब करना, वो बेवकूफ़ी है। छोटे शहर में पढ़ लेना और दिल्ली में जॉब के लिए जाना, दैट मेक सेंस। तो यही गलती कनाडा में बहुत सारा स्टूडेंट कर रहा है। तो अगर आप अपने पीआरस को फास्ट चाहते हो, बिना किसी अड़चन के चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपको 4-5 साल में पीआर मिले, आप चाहते हो 3-3.5 साल में आपका पीआर हो जाए, 2 साल की स्टडी भी उसी के बीच में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद 1.5 साल पीआर हो जाए, तो बेस्ट वे इज़ टू गो इनटू प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में जाके अपनी 2 ईयर्स की स्टडी करें, और उसके बाद आप वर्क परमिट पे कहीं पर भी मूव हो जाएं, और आप 1.5 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर अपना पीआर हासिल कर सकते हो। और जब आप ऐसा नहीं करते हो, तो फिर आप क्या करते हो, 2 साल टोरंटो में पढ़ते हो, बड़ी सिटी में पढ़ते हो, फिर आपको जाके 2 साल जॉब करनी पड़ती है प्रोविंस में, और फिर उसके बाद आप पीआर अप्लाई करते हो, मतलब 5 साल बाद पीआर लेते हो, जो एक्चुअली आपको 3 साल बाद मिल सकता था। तो इस लॉजिक को, इस कैलकुलेशन को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, उतनी स्पीडली आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। सो अगर फास्ट पीआर लेने हैं, तो कनाडा के प्रोविंसेस को प्रेफर करो, या फिर आरएनआईपी एरिया, आरएनआईपी रीजनल एरियाज, जैसे कि सॉल्सू मैरी है, वहां पर कॉलेज भी है, और वो ओंटारियो में भी है, और वो रीजनल भी है। सो इस तरह से अगर आप अपनी सिलेक्शन और चॉइस को बनाएंगे, तो आप कनाडा की सेटलमेंट बहुत फास्टली ले सकेंगे। ऐसे कोई भी डाउट्स, कन्फ्यूजन अपने प्रोफाइल्स को लेके हैं, अपनी स्टडीज़ को लेके हैं, तो ब्रॉडवे की टीम से आप निश्चिंत, बेफिक्र होकर मिल सकते हैं। मैं पर्सनली अहमदाबाद के ऑफिस में हूँ, सो आप वहाँ पर आके मेरे से मिल सकते हैं। और आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल का कोर मकसद स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेटेड और इन्फॉर्म करते रहना है। थैंक यू। ब्रॉडवे विदेश जाने के सपने देवेगा हकीकत दी उड़ान।